हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हर एक एग्जाम फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे TGT, PGT, KVS, NVS, UPLT, GATE, UP, TGT, PGT, चाहे MP, TET हो, सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप थ्योरी सेशन स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन के सीरीज है और चैप्टर वाइज MCQs भी स्टेप बाय स्टेप कराए गए हैं। तो चैनल पे जाकर के एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे। और जैसा कि आपका MP TET का जस्ट होने वाला है, टाइम नहीं है आपके पास, और UP TGD का भी अब एग्जाम होगा, तो समय को न गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है। हृदय श्वसन क्षमता यानी कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस सबसे अच्छा मापी जाती है इन ऑप्शनों में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लीसीन ब्रोहा के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मापा गया था, बनाया गया था। और इसमें दोस्तों एक बेंच होता है जो पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर होता है। इसमें सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट तक उस बेंच पर अप अप डाउन डाउन किया जाता है। 1 मिनट में 30 सीट अप और 30 डाउन किया जाता है। उसके बाद कर्ता को जो करता है उसको क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी के लिए 1 मिनट तक बैठा दिया जाता है, और आफ्टर रिकवरी 1 मिनट के बाद यानी 1 मिनट रिकवरी के बाद, जैसे कि आपका 1 मिनट रिकवरी हुआ, ठीक है, 1 मिनट आपका रिकवरी हुआ, और 30 सेकेंड पर आपका क्या हुआ, पल्स काउंट हुआ, फिर आपका 2:30 पर रेस्ट हुआ, फिर 2 पर आपका रेस्ट हुआ, रेस्ट कब हुआ, 2 पर हुआ, ठीक है, 2 पर आपका क्या हुआ, रेस्ट हुआ, एंड फिर 2:30 पर आपका पल्स काउंट हुआ। इस प्रकार आपका पल्स काउंट होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद एक सूत्र के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसका सूत्र होता है ड्यूरिंग ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुड़े 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुड़े 2। इस प्रकार पल्स काउंट किया जाता है, यही आपका होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो हृदय श्वसन क्षमता कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि परीक्षण का प्रयोजन यानी जो उद्देश्य होता है किसके माध्यम से मापा जाता है। तो यह वैलिडिटी यानी कि वैधता के माध्यम से मापा जाता है कि क्या जिस उद्देश्य के लिए, जिस चीज के मापन के लिए जो जो बनाया गया है परीक्षण, क्या वही परीक्षण कर रहा है, तो वैधता निर्धारित करता है। नेक्स्ट है लंबवत कूद यानी कि वर्टिकल जंप को लंबवत कूद भी बोला जाता है, के द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको सार्जेंट कूद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सार्जेंट ने ही इसका खोज किया था। और यह दोस्तों जो लंबवत कूद यानी कि वर्टिकल जंप होता है, यह एक्सप्लोसिव पावर ऑफ आर्म यानी कि हाथों की विस्फोटक क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउस वेबर टेस्ट मापता है। तो यह दोस्तों न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति यानी मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यह 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मापन करता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है टटल पल्स अनुपात
परीक्षा यानी कि टटल पल्स रेटियो टेस्ट जो 1930 में WW टटल के द्वारा बनाया गया था कार्डियोरेस्पिरेटरी रेंज को मापन के लिए, एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापता है, और रन वॉक परीक्षण भी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण है। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को माप हेतु टीटी टेस्ट प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका रूलर ड्रॉप टेस्ट रिएक्शन टाइम को मेजर करता है, और मेडिसिन वॉल थ्रो जो होता है वो हमारे आर्म के एक्सप्लोसिव पावर को यानी कि हाथों की एक्सप्लोसिव विस्फोटक क्षमता को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विकसित किया गया था तो किसके द्वारा? ब्रोहा व अन्य के द्वारा 1943 में किया गया था। नेक्स्ट है, गति मापन की सर्वोत्तम रूप से किसमें किया जा सकता है? तो यह होता है 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा। नेक्स्ट है, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो यह शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। तो 12 मिनट रन वॉक को कूपर ने 1970 में कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति शक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट है, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है यानी वसा मापने का यंत्र है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की लंबाई यानी ऊंचाई मापने का उपकरण है स्टेडियोमीटर। यहाँ पे वेइंग स्केल जो है शरीर के भार मापने का, डायनेमोमीटर शरीर की स्ट्रेंथ यानी ताकत, हाथ पैर कमर की ताकत मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो अभी जस्ट बताई हूँ, ऊंचाई या लंबाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर में वसा यानी बॉडी कंपोजिशन की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट है दोस्तों, ईसीजी सूचक है तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय में असमानताओं का पता लगाता है। एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राम, जो मस्तिष्क में हुए असमानताओं को पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है? इस यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शक्ति मापन के लिए। और कहां पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है, गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? दोस्तों यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मेजर करता है। नेक्स्ट है, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह फेफड़ों की क्षमता को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सहन शक्ति या एंड्योरेंस परीक्षण के लिए प्रयोग होता है तो इसमें ट्रेडमिल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी टेस्ट का चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? तो किसी भी टेस्ट के लिए क्राइटेरिया यानी मानदंड होता है वैज्ञानिक प्रमाणिकता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह उपयुक्त हो और शैक्षणिक प्रयोग हो। तो इनमें से सभी आपके सही हैं। इन तीनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल के टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन में बोले तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण है? तो किसी भी चीज को दो बार मापना जरूरी है। एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है दोस्तों? ये हमारे शरीर की ऊंचाई लंबाई
मोटाई आदि मापने में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज किया था फ्रांस के गणितज्ञ अल्दो क्योटलेट ने। नेक्स्ट है किसी परीक्षण का नॉर्म या नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है, तो वह उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थान पर स्क्रीन फोल्ड मापन नहीं किया जाता है, तो दोस्तों हथेली पे नहीं किया जाता है, और जहां पे मसल्स का संख्या ज्यादा होता है, यदि मसल्स होता है वहां पे किया जाता है, जहां पकड़ अच्छी हो, जैसे कि बाइसेप्स, काफ मसल्स यानी गैस्ट्रोनोमियस में स्पेसी जो होता है एंड पेट, इन जगहों पर आपका स्क्रीन फोल्ड मापन किया जाता है। नेक्स्ट है किसी परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो दोस्तों किसी भी मापन की वैधता, परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी निर्धारित होती है परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके। यानी कि दोस्तों वैलिडिटी होता है कि जो परीक्षण बनाया गया है जिस चीज के लिए, क्या वही चीज वो मेजर कर रहा है, तो इसके लिए क्या कहते हैं कि उसी प्रकार का जो पहले से बनाया हुआ परीक्षण है उसको परीक्षण करते हैं, और जो नया बनाया गया है उसको, जब दोनों का सेम होता है तो हाँ बोला जाता है कि हाँ इसका वही मेजर कर रहा है, इसकी वैलिडिटी सही है। नेक्स्ट है 30 सेकेंड सीटअप से इनमें से किसका परीक्षण होता है, दोस्तों सीटअप में सीधा सीधा फोर्स बीच में पड़ता है, यह आपका सीधे सीधे फोर्स यह पेट में पड़ता है, तो यह पेट की शक्ति और सहन शक्ति और गति को मेजर करता है, परीक्षण करता है, यह आपका थर्ड लीवर यानी कि उत्तोलक में आता है थर्ड प्रकार के, क्योंकि थर्ड प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट है खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है, तो जिमनास्ट और तैराक में स्कोलियोसिस होता क्या है, जो रीढ़ की हड्डी है एक तरफ दूसरे तरफ और एक तरफ दूसरे तरफ, यानी कि वो हो जाता है आपका यस या सी के आकार का, इस तरह का एक पोस्टर डिफॉर्मिटीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी मापन यानी मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है, तो कोई भी मेजरमेंट या मापन जब उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तभी वह प्रभावी माना जाता है, जिसमें कोई भी पक्षपात न हो, एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेसल मेटाबॉलिक दर यानी BMR में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है, तो सारी गतिविधि की मात्रा पर यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता है, तो डॉक्टर केनेथ कूपर है 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण के, यह आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि एंड्योरेंस को डेवलप मापन करता है। नेक्स्ट है शारीरिक संरचना यानी बॉडी कंपोजिशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, तो यह है स्क्रीन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट है JCR परीक्षण में शामिल है, तो JCR जे से जम, सी से चिनब, आर से रन, यानी कि यहाँ पे आपका सार्जेंट जब, चीनिंग एंड सटल रन शामिल है, या 1947 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेट टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यह लुसी ने ब्रोहा द्वारा 1943 में किया गया है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्पायरोमीटर का प्रयोग जैविक क्षमता, फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अलाइनोमीटर किसके मापन में होता है, तो यह भंगिम मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दिन में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है, तो यह होता है आपका विश्वसनीयता। नेक्स्ट है भंगिम मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो अलाइनोमीटर। नेक्स्ट है फुफ्फुस यानी लंग्स की क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो स्पायरोमीटर यानी वेट स्पायरोमीटर।
नेक्स्ट है ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए होता है दोस्तों, यह भागने में किया गया कार्य यानी कि दौड़ में किया गया कार्य और इंड्योरेंस को कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन फुल कैलिपर से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है, शरीर की वसा यानी बॉडी कंपोजिशन को मापा जाता है। नेक्स्ट है किस यंत्र के द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है तो शक्ति यानी ताकत हमारे हाथ पैर कमर की ताकत को मापा जाता है डायनेमोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों ये था टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेस्ट तैयारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।